हेलो दोस्तों, नमस्कार। सोनू टेक्निकल ज्ञान टेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं प्लम्बिंग में ड्रेनेज पाइप फिटिंग कैसे किया जाता है। ये पुराने बिल्डिंग में दोस्तों इसका वर्क किया जा रहा है। ये पुराना ड्रेनेज फिटिंग था जो कि लीकेज और टूट गया था, उसको हम लोग रिपेयर कर रहे हैं। कैसे किया जाएगा ये टोटल हम आपको दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और लगे रहिए वीडियो में। आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते चलेंगे। यहाँ आप देखिए 45 डिग्री में इसको पाइप फिक्स कर दिया गया है। अब ये फ्लोट रब का जगह है दोस्तों, यहाँ पर 245 से इसको इसके जगह पर 90 डिग्री बना करके मोड़ा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर फ्लोट रब को फिक्स किया जाएगा। ये 90 डिग्री इसलिए लगा रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पर पहले ये लगा हुआ था बाथटब, वो बाथटब निकाल करके शावर ट्रे का यहाँ पर फिक्सिंग किया जाएगा, इसलिए इसको लगाया जा रहा है कि यहाँ पर 80 सेंटी का शावर ट्रे है और उसके सेम सेंटर में आ रहा था दोस्तों। एकदम बीचों बीच में इसका जो ड्रेनेज कवर लगेगा वो आधा ढक जा रहा था, इसके लिए इसको 245 डाल करके इसका जगह थोड़ा सा एडजस्ट किया गया है, आगे बढ़ाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोट रब में गिलू लगाया गया है और यहाँ देखिए पुश किया जा रहा है फ्लोट रब को। देखिए कितना सूटेबल तरीके से इसको लगा दिया गया है। अभी लेवल रख करके इसको चेक किया जाएगा। देखिए लेवल रख दिया हूँ, अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में आपको ये पारा मिलेगा स्पीड लेवल का। ये यही सब चेक करने के लिए स्पीड लेवल रखा जाता है दोस्तों। अभी यहाँ देखेंगे, हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना स्लोप है, पानी एकदम आसानी से जाएगा। तो इसी तरह से इसको फिटिंग किया जाता है दोस्तों, काफ़ी सूटेबल तरीके से इसको फिट कर दिया गया है। अभी इसका नेक्स्ट प्रोसेस है दोस्तों, इसका ब्रांच जो वाश बेसन का और शावर ट्रे का जो किया जाएगा, और एक एसी का ड्रेनेज है वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्लोप दिया गया है। देखिए दोनों तरफ से आप देख सकते हैं बेहिचक दोस्तों किया जाता है। जो वर्क नो जानकारी हो आप लोग कमेंट करिए, पूछिए। और यहाँ आप देख सकते हैं ब्रांच कैसे किया गया है। तो यहाँ पर आप दो पॉइंट लगा हुआ देख रहे हैं, एक पॉइंट शावर ट्रे का है, दूसरा पॉइंट जो फ्लोट रब में फिक्स हुआ है ये वाश बेसन का है। तो आप देखिए कितने सूटेबल तरीके से इसका वर्क किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बाथटब की जगह पे शावर ट्रे का पॉइंट दिया गया है, पहले यहाँ पर बाथटब था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सूटेबल तरीके से पूरा का पूरा वर्क कर दिया गया है। ये फ्लोट रब का पाइप भी हम लोग 4 इंच का इसमें ज्वाइंट कर दिए हैं। और ये सफ़ेद का कलर का जो पाइप है CPVC का, ये AC के ड्रेनेज का है, जो कितने सूटेबल तरीके से इसको लगाया गया है आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा वर्क यहाँ पर फिनिश हो चुका है। तो कैसा रहा हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।